मैं देवेंद्र चहल, सचिव जिला रेड क्रॉस सोसाइटी रोहतक। आज का रक्तदान शिविर भगवान वाल्मीकि युवा सेवा समिति बेंसी की ओर से आयोजित किया जा रहा है, जो कि भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के 130वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। आज 15 तारीख है, लेकिन ये महान लोगों का जन्मदिन हमेशा ही मनाया जाता है। कल हमारे पास ब्लड डोनेशन के लिए टीम ने उपलब्ध निधि काफ़ी रश था, कई कैंपों का आयोजन किया गया था, इसलिए आज 15 तारीख को युवा समिति ने कैंप आयोजन किया है। आप देख रहे हैं युवाओं में बड़ा बढ़ चढ़ कर जोश है, और जैसा कि आप कोरोना काल दोबारा से लोग वो शुरू हो गया है, रक्त की कमी भी हो सकती है। मेरा सभी से अनुरोध है कि सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें, रक्तदान शिविरों का आयोजन करें, ताकि ज़रूरतमंद व्यक्ति को PGI में कहीं भी जहाँ भी रक्त की जरूरत हो वो आसानी से उपलब्ध हो सके। धन्यवाद। देखो जी, युवा नशे की तरफ जा रहे हैं, आपकी बात ठीक है बिल्कुल, लेकिन जो हमारे इस रक्तदान की मुहिम से जुड़ जाता है वो तो कम से कम इससे बच जाता है। आप समाज सेवा की तरफ रुझान हो जाएगा उस आदमी का, तो नशे से भी और भी सामाजिक बुराइयों से बच जाता है। अब जैसे ये भगवान वाल्मीकि युवा समिति के जितने भी मेम्बर्स हैं, ये सारी चीज़ों से दूर हैं, ये प्रचार प्रसार भी करते हैं, अवेयरनेस का काम भी करते हैं, तो सभी से कर्तव्य के समाज के अंदर रहते हैं, तो इस सभी चीज़ों के बुराई का प्रचार प्रसार करेंगे, बुराई से बच्चे दूर रहें, हमारा भविष्य तो बच्चे ही हैं, ये सुरक्षित रहेंगे, हमारा देश सुरक्षित रहेगा। सबसे पहले मैं आप सभी को जय भीम जय भारत कहना चाहूँगा। मेरा नाम रणधीर सिंह है और मैं महर्षि वाल्मीकि सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ। ये जो कैंप हैं बाबा साहब के 130वीं जयंती के उपलक्ष्य में लगाया गया है, और इसमें PGI रोहतक से डॉक्टर रितु जी हैं, उनकी पूरी टीम हमारा सहयोग करने लग रही है। देखिए, हालांकि कल 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्मदिन था, लेकिन हम पूरे वीक मनाते हैं, एक सप्ताह चलाते हैं। कल गांव में झांकी थी, कल भंडारा था, और आज हम यहां पर ब्लड डोनेशन कैंप लगा रखा है। और इसमें ज़रूरी है कैंप लगाना, क्योंकि बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, भारत रत्न है बाबा साहब, और समाज के लिए बहुत समाज सुधारक काम किए, महिलाओं के लिए काम किए बाबा साहब ने, बड़े अच्छे कानून मंत्री थे पहले। और सोनू मेरे साथ हैं, डेको टीम के अध्यक्ष हैं, गुलाब सिंह मेरे साथ हैं, ये महर्षि वाल्मीकि सेवा समिति के फुल सहयोग है। यहाँ पे युवाओं के बढ़ चढ़कर भाग लेने लग रहे हैं। सुबह से यहाँ पर भीड़ लगी हुई 8 बजे से ही, हालांकि कैंप का टाइम था जो 9 बजे का, लेकिन सुबह से ही यहाँ, और गांव से ग्रामीणों का सर्व जाति का सहयोग है यहाँ पे, पूरे गांव से और गांव से बाहर खरगू गाड़ी, ये काफ़ी रोहतक से भी डोनर आए हुए हैं यहाँ पे देने के लिए। जा पौड़ी ये आसपास के गांव से युवा आने लग रहे हैं। सोनू गिरो, प्रेसिडेंट डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन कल्चर एंड करेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। सर्वप्रथम जय भीम सभी को। आज के इस कैंप में आज का कैंप महर्षि वाल्मीकि, आज का कार्यक्रम 130वीं जयंती बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में ये रक्तदान शिविर केंद्र लगाया गया है, और 10वीं बार मैंने खुद बाबा साहब के नाम से अब रक्त शिविर किया है दान। और मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि युवाओं को बढ़ चढ़ कर इस मामले में भाग लेना चाहिए, और बाबा साहब की विचारधाराओं पर चलना चाहिए, बाबा साहब का संविधान के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए, ना कि किसी की आत्मा को ठेस पहुँचे। अब तक यहाँ 12वां रक्तदान लग चुका है इस चौपाड़ी के अंदर, और मैंने अपनी तरफ से 10वां रक्तदान अभी किया है। अभी तक सुबह बाबा साहब की पहली जो यूनिट दी थी रक्तदान के लिए, उससे पहले हमें बाबा साहब की मूर्ति के आगे बाबा साहब का जन्मदिन मनाने के लिए केक काटकर जन्मदिन मनाया गया है, और केक काटने के बाद पहला रक्त शिविर अपने सुरेंद्र मास्टर जी ने किया था। अब तक मेरे हिसाब से टोटल 20 यूनिट करीब जा चुकी हैं, और अभी तो बच्चे भाग दौड़ कर ले रहे हैं इस आंदोलन में, और कार्यक्रम में बहुत अच्छा सहयोग है। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा सभी साथियों को जय भीम जय भारत जय संविधान। और जो ये कैंप हमने लगाया है बाबा साहब के 130वीं जयंती के उपलक्ष्य में, बकायदा हमने केक काटकर बाबा साहब का जन्मदिन मनाया है, और युवाओं में बहुत सारा उत्साह है, आसपास के गांव से बच्चे आ रहे हैं,
डोनर काफ़ी सहयोग है गांव वालों का, सभी बिरादरियों का, और हर महापुरुष की जयंती पे, जन्मदिवस पे हम इस तरह के प्रोग्राम करते रहते हैं। ये हमारा, हमारी टीम की तरफ से 12वां रक्तदान शिविर है, और जितने भी हमारे गांव के संगठन हैं वो हमारा बहुत सहयोग करते हैं हर एक मामले में। युवाओं को हम संदेश देना चाहते हैं, बाबा साहब की जो कदम है उन पे चलें, आगे बढ़ें। बाबा साहब का एक संदेश और है, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। मैं यही चाहूँगा, बच्चों से उम्मीद करता हूँ बाबा साहब के जो कदम है उन पे चलें, उनके शिक्षाओं को अपनाएं, बच्चों को खूब पढ़ाएं। ले लिया भाई, ताकि स्टॉप के।